नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आंसर राइटिंग के सीरीज में हमारा आज का वीडियो प्रश्न पत्र तीन से संबंधित रहेगा। प्रश्न पत्र तीन के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों आर्थिक विकास। और हमारा वीडियो, ये जो आंसर राइटिंग का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर के शैली में रहेगा, जिससे आपको समझने में और वहाँ एग्जाम हॉल में प्रेजेंट करने में आसानी होगी। और छोटा छोटा रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, और दोस्तों इसे आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा समझने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट ही समझिए। इसमें ये बोला गया है कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर बताइए, बस। तो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा दोस्तों, तो उत्तर लेखन, पहले उत्तर लिखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति, या नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक है दोस्तों, कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं स्टार्ट में ही, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम दोनों में अंतर करने स्टार्ट कर दें। थोड़ा स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखना जरूरी रहता है, जिससे कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। योजना आयोग की तरह यह भी एक संविधानेतर संस्था है, जो सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करेगा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांतों में से इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसारित सिद्धांतों से निम्नलिखित भिन्नताएं विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागमन अपनाया गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागमन अपनाया गया है, जबकि योजना आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यागमन का कार्य करता था। ठीक है, गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं एजीपी लेफ्टिनेंट या उपराज्यपाल गवर्नर की भागीदारी से सहकारी संघवाद को नीति आयोग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं की बराबर थी, जो कि होना चाहिए था। उसमें भी राज्यों की भागीदारी रहता तब तो काम अच्छा होता है। ऐसे उसमें भी अच्छा ही काम हुआ है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनका भी भागीदारी होना चाहिए। सभी राज्यों का अपना अपना प्रॉब्लम रहता है, तो ये नहीं थी योजना आयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीति आयोग और ये योजना आयोग का लोगो। नीति आयोग का कार्य सरकार को नीति निर्माण में रणनीतिक व टेक्निकल सलाह देना था, देना है, माफ कीजिए। नीति आयोग का कार्य सरकार को नीति निर्माण में रणनीतिक और टेक्निकल सहयोग सलाह देना है, जबकि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के साथ राज्यों के लिए धनावंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, नीति आयोग का कार्य सरकार को नीति निर्माण वह रणनीति में टेक्निकल सलाह देना है, जबकि योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाने के साथ राज्यों के लिए धन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। नीति आयोग में विषय विशेषज्ञों तथा युवाओं को कार्य करने के लिए बुलाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीति आयोग में विषय विशेषज्ञों तथा युवाओं को कार्य करने के लिए बुलाया गया है, जबकि योजना आयोग में सामान्य ब्यूरोक्रेट्स योजनाएं बनाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी और 15 वर्षीय विजन पर काम करना शुरू किया है। ठीक है, नीति आयोग जो है वह 3 वर्षीय एक्शन प्लान बनाती है, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी और 15 वर्षीय विजन पर काम करना शुरू किया है, जबकि योजना आयोग मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाएं ही अधिक बनाता था। योजना आयोग था वो मुख्यतः पंचवर्षीय योजना ही बनाता था।
सरकार का लक्ष्य सहयोगात्मक संघवाद, नागरिकों की भागीदारी के विस्तार, सबको समान अवसर, शासन में भागीदारी और लचक विकास, परख प्रौद्योगिकी की उत्तरोत्तर प्रयोग के द्वारा सुशासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा कर रखी है। अतः नीति आयोग शासन की प्रक्रिया में अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और स्ट्रेटेजिक सहायता प्रदान करने के लिए संगठनिक सुधार किया गया है। ठीक है, इसे आप निष्कर्ष समझ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य सहयोगात्मक संघवाद, नागरिकों की भागीदारी के विस्तार पर, सबको समान अवसर, शासन में भागीदारी और लचक विकास पर, प्रौद्योगिकी की उत्तरोत्तर प्रयोग के द्वारा शासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा कर रखी है। अतः नीति आयोग शासन की प्रक्रिया में अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक और स्ट्रेटेजिक सहायता प्रदान करने के लिए संगठनिक सुधार किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और जनरली इस टाइप के प्रश्न 150 से 200 शब्दों के बीच में ही आता है दोस्तों, तो ज़्यादा इधर उधर के नहीं लिखेंगे, वरना नंबर कट जाता है। पॉइंट टू पॉइंट जो बोला गया है वही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।